बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कटनी जिला डांग ग्राम से श्री कात्यायनी जी का एक कथा वार्ता भी करती हैं, हमसे पढ़ती भी हैं। इनका प्रश्न ये है कि गुरुजी प्रणाम, आजकल पत्रकार लोग प्रायः कहते हैं कि नारद जी हमारे पुरोधा है, हमने नारद जी से शिक्षा ली है, पत्रकार लोग उनको अपना ब्रह्मा मानते हैं, देवताओं का पत्रकार नारद जी को कहते हैं, और सीरियलों में भी नारद जी जब भी आएंगे तो उनकी चोटी खड़ी रहती है, मजाक करते हुए नारायण नारायण करते हुए आते हैं। अभी कुछ दिनों से टीवी में नारद जी और यमराज का संवाद दिखा करके राजनीति में भी नारद जी को दिखाते हैं कि नीचे धरती में क्या हो रहा है, ऐसा यमराज पूछते हैं और नारद जी बताते हैं। तो नारद जी के विषय में इतना परिहास होना और उनकी शिखा सूत्र इत्यादि का मजाक उड़ाते हुए, और यहाँ तक कि पत्रकार बंधु भी उनको अपना पत्रकार ही मानते हैं, तो नारद जी का वास्तव में शास्त्रों में क्या विशेष परिचय है, तो हम ये जानना चाहते थे। क्या वर्तमान के जो लोग कह रहे हैं ऐसे ही है अज्ञानी, कैसा क्या है? तो हाँ ठीक है, ये जो बात आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे मुसलमानों के मुगल साम्राज्य के कारण और फारसी जैसे समय अंग्रेजी का बहुत प्रभाव है ना, इसी प्रकार से उनके समय में फारसी का प्रभाव था। मुगलों ने बहुत मंदिरों को तोड़ा इत्यादि किया, और इनकी कुछ ऐसा कुचक्र चला कि इन्होंने फारसी ही पढ़ा दी और बड़े अत्याचार किए, मंदिर भी तोड़े गए। तो हमारी जो हिंदू समाज है वह अपने वेदों से, पुराणों से, ऋषियों के परिचय से और ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्णाश्रम धर्म के परिचय से सबसे च्युत हो गए। इस वजह से, इसी कारण से इन लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि नारद जी क्या है और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। हम उनका वास्तविक स्वरूप आपको सुनाते हैं। भक्ति का ग्रंथ है, सबसे विलक्षण ग्रंथ है नारद पांचरात्र। उसको यदि कोई देखे, नारद पांचरात्र में भक्ति का बहुत व्यवस्थित वर्णन किया है, वो नारद जी का ही है। ज्योतिष में नारद जी का ग्रंथ नारद संहिता प्राप्त होता है, और इतना ही क्यों, भक्ति सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र है। लेकिन हम आपको इसमें थोड़ी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत के जैसे ही आप महात्म को पढ़ते हैं तो प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक है 87वां श्लोक। श्रीमद् भागवत के प्रथम महात्म का प्रथम अध्याय उसका 80वां श्लोक सुनिए। नारद जी की स्तुति करते हुए भक्ति ने कहा, वृंदावन में भक्ति से मिले तो नारद जी के विषय में उन्होंने कहा कि जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन वेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पियातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति ने कहा। अब देखिए नारद जी का स्वरूप इसमें, उस नारद जी को मैं प्रणाम करती हूं, यस्य जिस नारद जी के कृपा से, यत कृपाता जिस नारद जी के कृपा करने से उत्ताल महाराज उत्ताल पाद का ध्रुव पुत्र ध्रुव पदम याता
ऐसे निश्चित पद को प्राप्त हो गया जो आज तक है और जब तक रहेगा ये संसार तब तक वह ध्रुव पद में प्रतिष्ठित रहेगा उत्तरपाद के पुत्र। किनकी कृपा से? तो कृपा कौन कर सकता है? जिसमें सामर्थ्य हो वही कृपा कर सकता है। कायाधवः, प्रहलाद जी की माता का नाम था कयाधु। तो जो कयाधु के पुत्र प्रहलाद कायाधवः, वो कयाधु का पुत्र प्रहलाद भी जगत ये संसार में माया को पार कर गया हो 5 वर्ष की आयु में, ऐसे नारद जी की जय हो। अथवा कायाधवः, कयाधु का पुत्र प्रहलाद इस संसार में उसकी जय जयकार हो रही है। तो जिस नारद जी की कृपा से महाराज उत्तरपाद के पुत्र ध्रुव ध्रुव हो गए, स्थिर हो गए, पद में स्थिर हो गए, और कयाधु पुत्र प्रहलाद जगत में भगवान नारायण को प्रकट करने वाले हो गए, इसलिए लिखा है सकल कुशल पात्रम। सकल कुशल पात्र कौन हो सकता है? इस संसार में 64 कलाओं का वर्णन है, 64 कलाओं में सभी कलाओं में निपुण है नारद जी, इसलिए सकल कुशल पात्र है ये। ये है नारद जी का स्वरूप। भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पुत्र है ये, भगवान नारायण के बिल्कुल अंतरंग है ये। और इस एक तो ये हो गया नारद जी का, और दूसरा इसका वर्णन इसी के श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में है। जब व्यास जी को बड़ा दुख होता है महाभारत आदि का वर्णन करने के बाद भी उनको संतोष नहीं मिलता है, तब उन्होंने कहा, नारद जी से कहा। एक दिन सव्यप्राश आश्रम में बैठे थे व्यास जी, और वह नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि आप बहुत उदास दिख रहे हैं। बोले कि हाँ नारद जी, अब बहुत उदास है। तो नारद जी के विषय में उन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं हैं। नारद जी के विषय में कहते हुए व्यास जी ने कहा कि त्वं पर्यटनतर्क इव त्रिलोकी मत्तश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यून बलं विचक्ष्व। नारद जी के विषय में कहा कि आप अंतश्चरः वायु एव आत्म साक्षी। अंतश्चर माने प्रत्येक जीवधारी के शरीर के में अंदर प्राण के रूप में विद्यमान, साक्षी के रूप में विद्यमान, ऐसे आप हो। और पर्यटन, आप जब ब्रह्म लोक से लेकर के मृत्यु लोक, नीचे के 7 लोक, ऊपर के 7 लोकों में भ्रमण करते हैं, तो कैसे हैं आप? आर्क इव, सूर्य के समान है। जैसे सूर्य उदित होता है और वो अस्त पर्यंत सभी जीवों के प्रत्येक कर्म के साक्षी है, जैसे वायु अर्थात प्राण वायु सबके शरीर में निवास करता है, ऐसे आप सर्वत्र विद्यमान रहने वाले हैं। ये है नारद जी का स्वरूप। और व्यास जी ने कहा कि स्नातस्य मे न्यून बलं विचक्ष्व, मेरे असंतोष का क्या कारण है आप न्यूनता बताइए, इसमें क्या कमी है? अब आप नारद जी के ज्ञान की विशेषता देख लीजिए। जिन व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, 1,00,000 श्लोक का महाभारत लिख दिया और अन्य अन्य बहुत कुछ लिख दिया, इसके बाद भी व्यास जी जिनसे ये पूछते हो कि मेरे मुझे आत्म संतोष नहीं है, आप बताएं अब मुझे क्या करना चाहिए? तो ज्ञान विज्ञान संपन्न भगवान के नारायणांश स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास जिस नारद जी से उपाय पूछते हो, उस नारद जी का क्या स्वरूप हुआ? वो कैसे होंगे? उनका ज्ञान कैसा होगा?
उनका वैराग्य कैसा होगा, उनका धर्म ज्ञान कैसा होगा। अभी हमने आपको सुनाया कि युधिष्ठिर जी ने प्रश्न नारद जी से किया है, वही प्रहलाद चरित्र श्रीमद् भागवत में वर्णित है सप्तम स्कंद में। तो नारद जी से कोई भी प्रश्न व्यास जी से लेकर के और सभी ऋषि प्रश्न करते हैं, ये ब्रह्मा जी पुत्र है। सभी लोगों को, सभी जीवों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है, आप विचार करिए। लेकिन ये फिल्म वाले जो होते हैं, ये लोग मनुष्यों को देख करके ही सीरियल बनाते हैं, और वो भी धर्म नहीं देखते, वह धन देखते हैं। तो जिनकी धन में दृष्टि होती है वो लोभी होते हैं, इसलिए उनके धन प्राप्त करने में किसी का धर्म नष्ट होता हो, समाज नष्ट होता हो, यहाँ तक कि परिवार भी नष्ट हो जाता है। इसलिए फिल्म उद्योग की बात तो अप्रामाणिक होती है, एक बात। दूसरी बात, धर्म समाज को नष्ट करने वाला फिल्म उद्योग का कार्य धन कमाने का होता है। चाहे धर्म नष्ट हो, चाहे समाज नष्ट हो, और चाहे ग्रंथों का मूल स्वरूप ही नष्ट हो जाए। इसलिए ये लोग वो नहीं दिखाते जिससे, जो ऋषियों का सच्चा स्वरूप है, ये लोग वो नहीं दिखाते जो रामायण महाभारत आदि में वास्तव में लिखा गया है। तो ये लोग मनुष्य की दृष्टि रखते हैं और मनुष्य के मनोरंजन का करते हैं, इसलिए टीवी का कोई भी सीरियल प्रमाणित नहीं है, टीवी में कही गई बात प्रमाणित नहीं है, टीवी में कहा गया आचरण भी प्रमाणित नहीं है। टीवी के देख करके कोई आचरण करता है, अच्छा इतना ही नहीं है, और भी एक बात बता दें, टीवी में कहे जाने वाले ज्योतिषियों के कहे हुए मंत्र भी अप्रामाणिक ही है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये लोग ये नहीं बताते कि ये मंत्र किस ग्रंथ में लिखा गया है। मंत्र का ऋषि नहीं, मंत्र का देवता नहीं, मंत्र का छंद नहीं, और मंत्र की विधि नहीं। इसलिए टीवी में आने वाले लोग, टीवी को चलाने वाले लोग और टीवी में सीरियलों का निर्माण करने वाले लोगों का धर्म से और समाज से संबंध नहीं रहता, इनका संबंध धन से रहता है। इसलिए इन लोगों ने नारद जी को एक परिहास पात्र बना दिया है, इनको नारद जी के विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अब सभी पत्रकार कहते हैं कि नारद जी तो हमारे पूर्वज हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं है। सभी प्रायः 80% पत्रकार तो धर्म के विरुद्ध चलते हैं, वो किसी धर्म का पालन नहीं करते, नियम का संयम का पालन नहीं करते। इसलिए जो नारद जी का यथार्थ स्वरूप है वो ज्ञान भक्ति संपन्न है। नारद पंचरात्र पढ़ेंगे, नारद भक्ति सूत्र पढ़ेंगे तो नारद जी के भक्ति का प्रमाण, भक्ति का लक्षण प्राप्त होगा। नारद संहिता पढ़ेंगे तो उसमें ज्योतिष का उनका प्रमाण पता चलेगा। चाक्षुष ज्ञान संसार है, लेकिन ये अतीन्द्रिय ज्ञान, ज्योतिष को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं, जहां इंद्रियों का प्रवेश नहीं है वह ज्ञान नारद जी को है। तो व्यास जी को जो बता सकते हैं, मार्ग दे सकते हैं, इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य और भगवत तत्व का ज्ञान कराने वाले नारद जी के विषय में वर्तमान के टीवी सीरियलों में दिखाई देने वाले परिहास पात्रता से बिल्कुल भिन्नता है। और इसका दोष ये हुआ कि प्रायः सभी लोग, कहीं झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं ज्यादा नारदगिरी मत करो। जैसे कोई सत्य बोलता है तो लोग कहते हैं हरिश्चंद्र मत बनो। देखना है आप इन वाक्यों को, श्रवण, कोई अपने माता पिता को की सेवा करता है तो कहते हैं श्रवण कुमार बनने से कुछ नहीं मिलेगा। अर्थात वर्तमान का समाज श्रवण कुमार नहीं बनना चाहता, हरिश्चंद्र जैसा सत्य नहीं बोलना चाहता, और नारद जी जैसा ज्ञान विज्ञान संपन्न नहीं होना चाहता। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कंस के यहाँ जाते थे तो ये दैत्य भी नारद जी की पूजा करते थे, और जब वह ऋषियों के यहाँ जाते थे तो उनकी पूजा वहाँ भी होती थी। वह एक ऐसे पात्र है जो निर्विरोध है, दैत्य भी उनका आदर करते हैं। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को
उन्होंने गर्भस्थ शिशु प्रहलाद के सहित इंद्र भगवान से रक्षा की थी, तो हिरण्यकशिपु तो हाथ जोड़ के कहता था, आपने मेरी पत्नी की रक्षा की है, आप जैसा इस संसार में कौन है। इसलिए वास्तव में वह सूर्य के समान और अंतश्चर हृदय में चलने वाली प्राण वायु के समान है नारद जी। और इस समय तो वर्तमान में जितने भी सीरियल हैं, जितने भी ज्योतिष के कहने वाले हैं, टीवी में जो भी आता है वो प्रायः धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र और ज्ञान शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र कुल मिलाकर के सभी शास्त्रों के विरुद्ध ही आता है। इसलिए आप विद्वान ब्राह्मणों से मिले, विद्वान ब्राह्मणों से शास्त्रों का श्रवण करें और हमारे धर्म के विषय में आप विद्वान ब्राह्मणों से ही जाने, संसार के लोगों को प्रमाणित मानने की आवश्यकता नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।